सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है। अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके, और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना। पीएम मोदी देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे देश डिजिटल हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में लाखों बच्चों को लैपटॉप बांटे। समाजवादी लोगों ने लैपटॉप गांव-गांव बांट करके नौजवानों का और खासकर गांव में रहने वाले नौजवानों का कंप्यूटर का डर निकालने का काम किया। साथ ही अब स्मार्टफोन की योजना भी लागू कर दी है। एक कदम और आगे जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए स्मार्टफोन की आज शुरुआत की है। तो नए जमाने में, नए दौर में, नई तरीके से हम लोग आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि पीएम सिर्फ बातों के बाण छोड़ रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात में नोटबंदी से हो रही दिक्कतों के चलते देश के लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। आजकल तो आपका मोबाइल फोन भी ई बटवे का काम करता है। आप उसी मोबाइल फोन से अड़ोस पड़ोस की छोटी मोटी दुकान में जो भी खरीदना है खरीद भी सकते हैं, उसी से पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन कौन सा फोन है आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है। नेट बैंकिंग के बारे में सुना है आपने? नेट बैंकिंग का ही तो होता है दादा। स्मार्टफोन जानते हैं कैसा होता है? नहीं जानते हैं। नेट बैंकिंग के बारे में सुना है? नहीं, मेरे पास स्मार्टफोन में जानकारी है। मोदी जी, इस पर क्या राय है आपकी? जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है और जो लोग इंटरनेट बैंकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या सोचा है आपने? वहीं सीएम अखिलेश यादव ने युवाओं के साथ गरीब किसानों को भी स्मार्टफोन देने की योजना लागू की है, जिससे हर प्रदेशवासी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सके और सरकार के कामों और योजनाओं के बारे में भी जान सके। मुख्यमंत्री जी ने जो ये स्मार्टफोन की योजना चलाई है, कोई स्मार्टफोन गांव-गांव तो मिलेगा, सभी स्टूडेंटों को मिलेगा। इतना ही नहीं, नोटबंदी से हो रही दिक्कतों को भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्मार्टफोन काफी हद तक कम करेगा।